एक तरफ पुलिस का कोरोना वॉरियर का रूप देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी देखने को मिली। तस्वीरों में दिख रहा शख्स उड़ला थाना का प्रभारी नितिन उपाध्याय है, जिसने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी उपाध्याय हाथ में झोला थामे युवक को पीट रहा है और बचाने आई उसकी मां को धक्का दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से लोगों ने सरकार और पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रायपुर पुलिस के इस अमान्य चेहरे को लेकर लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं। यही वजह है कि अब इस मामले में एसएसपी ने उल्ला टीआई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही पूरे घटना की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को जाँच की जिम्मेदारी दी गयी है। थाना प्रभारी की इस हरकत को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस तरह की अमानवीयता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच हो रही है, उसे छुट्टी पर भेजा गया है। न्यूज़ डेस्क।